तो एक होगी है ट्रेजेडी। लड़कियों की पैकिंग कभी पूरी नहीं हो सकती है, ये इसका सबब एग्जांपल है निहारिका का। देखो पिछले दो दिन से पैकिंग कर ली है, दो बैग ये तो भर रखे हैं, एक और बैग बना दिया इसने, बताया हमारे इस तरह की दो ही बैग रख जाएंगे, एक बैग और रख लिया है ये खाने के लिए, एक और बैग रखा हुआ है, तो ऐसे करके इसने चार पाँच बैग बना दिए और अभी तैयार नहीं हुई है। ये देखो हालात उसके। नमन हमको छोड़ने आया हुआ है, नमन क्या करेगा? नमन करेगा घर की रखवाली। एक्चुअली घर की रखवाली वाला मेन मोटिव नहीं है, यहाँ रखवाली की ज़रूरत नहीं, मेन मोटिव है निहारिका के पेड़ बचाने हैं। तो गर्मी बहुत है और मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि निहारिका का पेड़ सारे सूख जाएंगे जितने हैं। तो नमन कुछ दिन लखनऊ घूमेगा भी, बाइक की चाबी मैंने इसको दे दी है, बाइक की चाबी दे दी है, तो अब तो आराम से सुबह सुबह 5 बजे निकल जाना। हाँ वहाँ चले जाना चिड़ियाघर, चिड़ियाघर नहीं वहाँ 10 रुपये तक लगता है बस, ठीक है। सुबह सुबह 5 बजे खुल जाता है, तो वहाँ ऐसा कर घूमते रहेगा। तो हमारे साथ देखो आज ये नीतू भी जा रही है, कहाँ अभी हम पूरे रास्ते में बात करते हैं, यात्रा शुरू हो रही है, तो बोलो क्या जय श्री राम। मम्मी पापा लोग बोलते हैं यात्रा को शुरू होने से पहले बोलो जय श्री राम, तब जाके यात्रा होती है सफल। अभी पूरा प्रोग्राम बताता हूँ कि हम लोग जा कर आ रहे हैं, वीडियो देखते रहिए। चलो भाई ठीक है, ओके ओके ठीक है, इतने बड़े गाना पैसे दे दिए तुमने दूध उठ के है नहीं दिए। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आप देखें गर्मी है प्रचंड यहाँ लखनऊ में, कल का जो टेम्परेचर था 44 था, आज अगर ऐसी हालात है तो दो तीन दिन में 40 मुझे लग रहा बढ़ गया है। हाँ अभी मुझे नहीं है 44 ही दिखा रहा है, लेकिन मुझे कल से ज़्यादा गर्म लग रहा है। एक तो लखनऊ में बिजली बहुत ज़्यादा रहने लग गई है, तो हम जा रहे हैं भगवान, मतलब भगवान का जहाँ एसी होता है ना उधर, क्या नहीं पहाड़ों पर कुदरती एसी। तो हमारे साथ नीतू है, नमन रुक वहीं हमारे वहीं रुका हुआ है, वो थोड़ा लखनऊ में कुछ काम भी है और साथ साथ में निहारिका के पेड़ भी देख लेगा, तो वो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते यहीं रहेगा लखनऊ में। तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ की ओर को, और अभी बजे हैं दिन के 3। अभी क्या है कि दिन में मैं रात को इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले बार जब नेपाल जाता था हम लोग वापस आ रहे थे, तो मेरे को आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, और नींद में गाड़ी चलाना होता है रिस्की। तो मैं सोचा कि आज दिन के 3 बजे और रात में जहाँ नींद आने लगेगी तो उधर जाके रुक जाएंगे। अब टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे जाके मतलब कहाँ जाके रुके हैं। अभी फिलहाल मतलब मेन टारगेट तो है कि हमने हल्द्वानी तो पहुँचना ही पहुँचना, सोने से पहले हल्द्वानी पहुँचना है, क्योंकि क्या है ना हल्द्वानी हम लोग पहुँच जाएंगे तो आराम से हमारा मतलब क्या होगा कि कल सुबह की जर्नी पहाड़ के लिए स्टार्ट हो जाएगी और ज़्यादा टाइम कम भी पड़ेगा। हाँ और करीब हमको यहाँ से हल्द्वानी 450 किलोमीटर है, तो 450 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए देखते हैं कौन सा वे लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं आज यहाँ से पहाड़ों की जर्नी लखनऊ से स्टार्ट होगी, थोड़ा गर्मी से निजात पाने के लिए चलते हैं पहाड़ों की ओर। तो सीतापुर रोड तक आए, सीतापुर के बाद मतलब लखनऊ से सीतापुर रोड पर हम लोग आए हैं। सीतापुर का हम लोग ने जो वे लिया है, हमने लिया है हरदोई वाला, क्योंकि इस रास्ते में एक खासियत है ना, लखनऊ से जब भी आओ तो आप हरदोई वाले रास्ते ही जाओ, क्योंकि इस वाले रास्ते में क्या है कि आपको कोई भी टोल नहीं पड़ेगा, तो पूरे पैसे आपके बच जाएंगे। देखिए रायबरेली 102 किलोमीटर है, कानपुर 103, प्रयागराज 239 और हरदोई करीब है यहाँ से 110 किलोमीटर, यानी कि हमको हरदोई पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा। और वो रास्ता ज़्यादा अच्छा है सीतापुर से, सीतापुर और शाहजहाँपुर वाले से अच्छा है या हरदोई वाला रास्ता चूज करो, क्योंकि इसमें ट्रैफिक भी कम है और साथ साथ में कोई टॉल भी नहीं पड़ेगा आपको, और कुछ जो फ्लाई ओवर के जैम लगते हैं वो भी आपको हरदोई रोड पर नहीं पड़ेंगे। तो फिलहाल हमने याला रूट ले लिया है, अभी देखते हैं, अभी करीब बज गए हैं 3:30, करीब 3 बजे हम निकले थे तो 3:30 बज गए हैं, तो 3:30 बजे हम लोग यहाँ मतलब पहुँच गए। अभी यहाँ से हरदोई जाने में हमको 2 घंटे लगेंगे, तो 6:30, 6:30, 6 बजे तक हरदोई पहुँचेंगे, फिर देखते हैं रास्ता कैसा है। अभी से रास्ता बड़ा खूबसूरत है, मैं बीच में आपको दिखाऊंगा, मैं काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी अगर आपको अगर आम खाने का शौक है तो अभी हमें मलियाबाद में, यहाँ का आम काफ़ी फेमस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है मलियाबाद की दशहरी आम। तो यहाँ पूरे चारों ओर ना आम के बगीचे हैं, और निहारिका को ये रास्ता काफ़ी अच्छा लगता है। मैं निहारिका से पूछता हूँ ना किस रास्ते आना है तुमको, तो निहारिका हमें तब बोलती है कि हम लोग पहले रास्ते जाएंगे किससे, मलियाबाद वाले और हरदोई वाले। क्यों मालूम है?
क्योंकि यहाँ नर्सरी है। देखो आप अभी दिखाओ नर्सरी वहाँ पे आप पूरे मतलब दोनों ओर ना नर्सरी है और आपको सारे टाइप के पेड़ सारे टाइप के फूल देखो ये सारे सारे फूल सारे टाइप के आपको मिलेंगे पूरे रास्ते पर नर्सरी है। जैसे आपको फूल चाहिए वैसे फूल आपको मिलेंगे रमलियाबाद मोस्टली मतलब पूरे लखनऊ का फूल और लखनऊ का जितना भी मतलब जाता है ना बगीचे गीचे में सब महिलाबाद से जाता है। दोनों ओर हैं बिल्कुल रोड के दोनों ओर सारी नर्सरी है नीबी है तो 200-250 नर्सरी है पूरे रास्ते पर बिल्कुल दूर नहीं है सब एक दूसरे से चिपकते हैं। आपको कोई बड़े बड़े पेड़ बेचता है तो कोई फूल बेचता है आप यहाँ आके मतलब अपने पूरा मजे से मतलब कोई से भी अपने घर को डेकोरेशन के सारे फूल लेते हैं तो बहुत सारी नर्सरी है। ये है सामने वाली जो लड्डू की दुकान है बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है लड्डू के बारे में तो सरनीला के जो मशहूर लड्डू है वो वाली दुकान में मिल रहे हैं तो निहारिका जा रही है लेने के लड्डू। अच्छे लड्डू लेके आना ठीक है। लो जी आ गए हैं देखिए सरनीला के लड्डू कैसे हो रहे खाने में अच्छे कितने रुपए किलो थे एक 600 रुपए किलो एक 400 रुपए किलो और भी थे हमको जो मैंने जाने की महंगे हैं लेकिन स्वादिष्ट है ऐसा निहारिका जिसमें मीठा कम है वो वाले निहारिका को ना निहारिका को टेस्ट करने के लिए दिए थे उन्होंने मतलब चार लड्डू टेस्ट करने के लिए दे दिए समझ लो अलग अलग टाइप के तो पाव भर तो ऐसी आ गया 100 रुपए 200 रुपए की लाई तुम आधा किलो क्योंकि इसमें ना ये सब पड़ा है कुछ खराब हो जाएंगे इसलिए हमने कहा ज्यादा लेते हैं मैं तो ज्यादा लेना पाव भर लेना था आधा किलो ले आई। अरे खा लेंगे क्या है अब एक दिन के लिए थोड़ी ना खराब हो जाएगी। चलो ठीक है अब आपको दिखाते हैं और क्या मशहूर मिलेगा आगे है फिलहाल तो लड्डू हमने खरीद ही लिए संडी लाके। Deep in the shadows I know it's hard to put one foot in front of the other। तो फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं हरदोई तो हरदोई में जो घूमने वाला अगर कोई प्लेस अगर आपको हरदोई में घूमना है तो यहाँ विंटर में एक सांडी पक्षी विहार है जहाँ मतलब अलग अलग ट्राइब की बर्ड आती है विंटर के टाइम पे जो माइग्रेटरी बर्ड होती है तो आप वो बर्ड देखने यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी मेरे को हरदोई के बारे में ज़्यादा पता नहीं है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम हरदोई पहुँचे हैं अभी बजे हैं शाम के 5 आगे आके ले लेते हैं टी ब्रेक तो हरदोई के बाद क्रॉस हो जाए क्योंकि इसमें इतना भीड़ बहुत है यहाँ इतना भीड़ बहुत है शहर के अंदर तो अभी क्या है कि हम लोग मतलब आज टाइम पे हैं 5 बजे हम लोग पहुँच गए अभी शाहजहाँपुर है 65 किलोमीटर फिर शाहजहाँपुर से फिर बरेली फिर बरेली के बाद हल्द्वानी उसके बाद देखो पहाड़ का रास्ता अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं चल पा रहा है। So far as the echo, when do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. हम लोग यहाँ पर क्या नाम था निहारिका उसका शेरा मामू ये तो रियल डावली का है अरे नहीं हाँ शेरा मऊ नाम है इस जगह का नाम हाँ तो ढाबा है रॉयल ढाबा है। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं चाय का बाहर है बहुत ज़्यादा गर्म तो हमने कहा चलो एसी ऑन करके ही गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं तो अभी चाय आती है फिर चाय पीते हैं। अभी यहाँ से शाहजहाँपुर करीब 35-25 किलोमीटर लेकिन जो बाईपास है बरेली वाला वो हम उससे पहले ही निकल जाएंगे। अभी बीच में कटरा एक जगह पड़ती है जहाँ पर जाम लगता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना जाम इतना बहुत हद से ज़्यादा लगता है वहाँ 1 घंटे इंसान बैठा देखते हैं वहाँ पर कि कैसे थी आज वहाँ फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं 2 बार तो मैं वहाँ जाके फंस चुका हूँ। तो ये आगे देखो पकौड़े न्याय का भी कैसे हो रहे हैं मैं पकौड़े का टेस्ट वाकई मैंने एक पहले खा लिया था मैंने कहा पहले खा लेता हूँ उसके बाद रिव्यू दूंगा लेकिन पकौड़े का टेस्ट वाकई काफ़ी अच्छा है और चाय भी बहुत चटनी भी अच्छी बनी है। तो आप शहरा मऊ में रॉयल ढाबा में
आ सकते हैं, शिव पार्वती विवाह मंडप भी इसका मतलब नाम है था कुछ। तो यहाँ आके आप आराम से चाय पी सकते हैं। हम लोग गाड़ी में इसलिए बैठे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमें कहा इसी के अंदर बैठ के आराम से चाय पी। तो सैराबंग से जैसे हम लोग 10 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो ये फ्लाईओवर आता है। इस फ्लाईओवर में जैसे हम लेफ्ट टर्न करेंगे ना तो हम लोग सीधे निकल जाएंगे बरेली, बरेली की ओर, और सीधे आगे निकलेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे हम लोग शाहजहाँपुर। तो इधर से करना हमें लेफ्ट टर्न, अगर आप सीधे जाओगे तो शाहजहाँपुर पर जाओगे और यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न करोगे तो आप जाओगे किधर की ओर को, बरेली की ओर। बस ये है, इसके बाद जो है वो जो जहाँ ट्रैफिक जाम होता है मैं आपको बोला था ना, वो इसके बाद पड़ेगा। हम लोग के बीच में कहीं कटरा कोई जगह है कि वहाँ पर वो मतलब जहाँ पर जाम लग जाता है, क्योंकि हम लोग 2-3 बार फंसे भी हैं। आज देखते हैं कि क्या हालात है, अभी तक ब्रिज बना नहीं बना, इधर तो शायद फ्लाईओवर बन गया है, उधर वाला अगर बन गया होगा तो वेल एंड गुड है, हम लोग का अच्छा हो जाएगा। तो एक होगी है ट्रेजेडी। अभी क्या हुआ कि हम लोग इधर हाईवे से ऐसे आ रहे थे, वहाँ से किसने अचानक से मतलब गाय बहुत तेज मतलब भगाई, तो गाय आके ना पूरे बोनट पर टकरा गई। हम लोग को क्या चोट वोट तो लगी नहीं, लेकिन पूरी गाड़ी की मतलब वाट लगी, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है। आप देख सकते हो ये पूरा गोबर ओवर ना पूरा ऐसे गाड़ी के ऊपर आके रहा है वहाँ, मतलब कोई जबरदस्ती गाड़ी गाय वहाँ पर भगा रहे लोग, मतलब ऐसा ऐसा हाईवे है, हाईवे पर जबरदस्ती गाय पर किसने भगाई, वहाँ से 5-6 गाय आई और एक गाय हमारी गाय गाड़ी से आगे लगी, और गाय को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पता नहीं मर गई होगी क्या होगा, लेकिन अभी वो लोग हटा रहे गाँव वाले जो भी है, मतलब ऐसी कंडीशन है कि मैं स्पीड भी अभी चला था गाड़ी 60-50, 60-70 की, फिर भी देखो गाड़ी पूरी लग गई है। मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ, गाड़ी मतलब चलने की स्थिति में तो है नहीं, लेकिन अभी क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी रेडिएटर वगैरह में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी जैसे इंजन में वो गर्म हो जाता ना तो वो वाली कंडीशन नहीं आई है। तो अभी क्या है कि थोड़ा अलाइनमेंट आउट हुआ है, ये स्टीयरिंग हल्का सा टेढ़ा हुआ है यूँ करके, तो स्टीयरिंग हल्का टेढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ी गाड़ी तीसरी बागी है, तो मुझे हल्का जोर लगा के स्टीयरिंग को इस ओर को करके ऐसे गाड़ी चलानी पड़ रही है। लेकिन इस सारा हिस्सा तो ये हिस्सा तो पूरा ही डैमेज हो गया मेरी साइड वाला, तो मैं दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, मुझे बहुत जोर लगा के खुलना पड़ रहा है, वो भी आधा ही खुल रहा है। तो अब चला रहा हूँ मैं गाड़ी, बरेली पहुँचे हैं, शाहजहाँपुर में एक्सीडेंट हुआ था तो पहुँचे हैं अभी बरेली, मतलब वहाँ शाहजहाँपुर से भी करीब मैं 40-50 किलोमीटर पर जज कर रहा था कि चला गाड़ी जा पाएगी नहीं जा पाएगी। तो फिलहाल ऐसा है कि अभी हल्द्वानी तो जाने जाना है इसको लेके, क्योंकि अभी मैं इसे बीच में कहीं छोड़ देता, हमको घर जाना अर्जेंट है और घर जाना भी ज़रूरी है। अब कल सुबह अगर देखते हैं कि अगर कुछ होता है कि यहाँ पहले ये देखते हैं हल्द्वानी पहुँचती नहीं पहुँचती, फिर देखते कोई बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं फ्यूल टैंक करके फुल करके लाया था, अब धीरे धीरे अंदर क्या फ्यूल बहुत ज़्यादा ले रही है गाड़ी, अचानक से क्या है ना कि वो मतलब जो वो डंडे होते हैं फ्यूल के वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गए, मतलब ऐसा कुछ ऐसे वो हो गया सीन। अभी सिर्फ 4 डंडे दिखा रहा है मैं, वो गाड़ी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी इसकी भी कंडीशन नहीं है। देखिए अभी हल्द्वानी जाके अभी अगर ये बनेगी या क्या करते हैं वो तो गॉड नोज, लेकिन अभी कोशिश ये है कि हल्द्वानी तक हम लोग पहुँच जाएँ, अगर पहुँच जाएंगे तो नहीं। तो आप देखो ना ये स्थिति के बोनट देखो कितना ऊपर उठ गया, ये पूरा कांच पूरा क्रैक हो गया मेरी गाड़ी का, मतलब अगर मैं अभी ये है गोप्रो का स्टैंड अगर निकालूंगा तो सब नीचे जा जाएगा, ऐसे डर के मारे ये भी नहीं निकाल रहा, हाँ ऐसे छू ही रहा हूँ। तो अभी मैं जो कह रहा ना फिर टोल की बात देखो, ये जो पहला टोल पड़ता है और यहाँ फास्टैग नहीं लगता था पहले, मतलब हम लोग जब आते थे फास्टैग नहीं लगता था, अभी अगर फास्टैग लग रहा हो तो वो अलग बात है, वरना पहले से यहाँ पर हाँ नहीं 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 वरना पहले से नगद इसमें पैसा कट सकता पूरा, नहीं नहीं आज फास्टैग कटने लग गया है, हाँ काट दो। क्या हम लोगों ने डिनर कर लिया, कहीं आए क्या नहीं क्या गोजी में बनाई रोल कर रहे हैं रोटी, हाँ मतलब रोटी और सब्जी बना के लेके आई थी, हमने कहा रास्ते में कहीं खा लेंगे, लेकिन फिर कहीं रुकने का मूड नहीं हुआ, क्योंकि आधा मूड तो आपको पता है ख़राब कैसे हो गया। फिलहाल हम लोग उत्तराखंड बॉर्डर में इंटर कर चुके हैं, अभी हमने किच्छा पार कर लिया, अभी तक मतलब हम लोग यूपी में थे, किच्छा क्रॉस करते ही हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड में, किच्छा भी मतलब उत्तराखंड में आता है, तो हम लोग अभी आ गए हैं उत्तराखंड में। अभी हल्द्वानी करीब और 50-60 किलोमीटर और है किच्छा से करीब, अभी अभी लालकू आएगा फिर आएगा हल्द्वानी, मतलब क्या है कि अभी एकदम से एक वो कल एक एक्साइटमेंट था मतलब घर आने का, कल रात जैसे नींद नहीं आ रही थी, आज सुबह भी हम लोग 4 बजे उठ गए थे कि आज घर जाना है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा मूड ख़राब हो ही गया, लेकिन अभी बात की है किसी से कि अभी ये गाड़ी मतलब क्योंकि अगर इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो कब बन जाएगी, वैसे सही कराएंगे तो कब बन जाएगी, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है,
अब यहाँ पर हल्द्वानी में शोरूम तो है, अभी कोई हमारे पहचान में कोई है तो उनसे बात की भी है, तो उन्होंने बोला है कि कल सुबह बात करते हैं कि अभी बाकी तो क्या है, अभी जाके रुकेंगे पहले भैया के घर पे आके, फिर देखेंगे जो कल सुबह होगा वो देखा जाएगा। फाइनली 11 बज के हम लोग पहुँच गए हल्द्वानी, अभी जाते हैं भैया के यहाँ, आज़ाद रहेंगे उधर ही। तो थोड़ा ऐसे क्या होता है कि वो तो किसी को पसंद नहीं है वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं कभी मतलब ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ जब किसी के घर जा रहा होता, तो क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है भाई, अगर मैं उनके घर जाके अंदर ही शूट कर लाऊँगा कि मैं यहाँ आ गया, इसलिए ब्लॉग को यहीं पेंट कर रहा हूँ। पीछे हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है, हल्द्वानी क्या है, काड़ोदामा और हल्द्वानी कुमाऊँ का द्वार है, मतलब ये कुमाऊँ के द्वार है और कुमाऊँ की सबसे बड़ी बाजार यही है हल्द्वानी। तो मिलते हैं हम लोग नए ब्लॉग में, देखते हैं क्या है इस गाड़ी की स्थिति, क्या कराते हैं, अब खिंचाएंगे कैसे घर, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो प्लान ये था कि इसी गाड़ी से जाएंगे हम तीन लोग, अभी क्या था कि अब सब गड़बड़ हो गया, अब समझ में बात नहीं आ रही कि क्या कहें, दिमाग हैंग हो गया। सो मिलते हैं नए ब्लॉग में, अभी भी नहीं बोलेगा ब्लॉग पसंद आया, क्या पसंद आएगा ब्लॉग यार, गाड़ी मिलते हैं नए ब्लॉग में, फिर से देखते हैं कुछ पहाड़ों पर अगर जाएंगे तो सफ़र दिखाएंगे, फिर ट्रिप की आधी बाढ़ लग चुकी है, ठीक है चलो गुड बाय।